मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम याद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। मौली साहब अरे कौन? अरे मैं हूं मौली साहब, शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशु। अरे आ गया शमशु, आ गया। अरे शम 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 अरे आ गया शमशु जी। शमशु तूने कहा था कि तेरे पास इतवार को बहुत ग्राहक होते हैं, पीर को बच्चे के बाल काट दूंगा, काट दिया? अरे काट दिया मौली साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया। हाँ। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया? अरे क्या बात कर रहे हैं मौली साहब, क्या अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाया हो जाता है? अरे बाबा मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ, जहाँ इसका उस तरह चलता है वहाँ आदमी साफ हो जाता है। बच्चा खेल कूद रहा था ना? अरे हाँ मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे अली बाबा की माँ। अरे मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे उसको नहीं, जो धुआं आ रहा है उसे कह रहा हूँ। ये घर है जहन्नुम, आखिर इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे अल्लाह, लकड़ियाँ तो लाते नहीं, उपलों से धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या कहा? लड़कियां नहीं लाता, मदरसे में लड़कियों को लाकर मदरसे को एजुकेशन बनाकर क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अभी पहले हो गए क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियां तो लाते नहीं, उपलों में धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाई तो जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरत की जात होती ही कमजात है। अभी कमजात होंगे तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे होते सोते। अरे रे रे, जितना सब्र करता जा रहा हूँ उतना ही सर पे चढ़ती चली आ रही है। वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी? वो जो महकमत आलिम को लिखलवाई थी। हाँ वही। अच्छा जी, बखिदमत जनाब, वो इज्जत मात, वो फजीलत मात, क्या बात, वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम? जेरे तालीम? अरे वो वजीरे तालीम है ना, हजार दफा पढ़ा चुका हूँ, वाव पे जोर दे के पढ़। देख वाव से वोट, वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीरे तालीम बन जाता है। वाह, क्या अल्लाह की शान है मौली साहब। बताऊं अल्लाह की शान, बताऊं अल्लाह की शान। चल पढ़। वजीरे तालीम साहब दामे इकबाल ही क्या कर रहा है? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहाँ इकबाल का नाम आया शुरू हो गए कव्वाली हा हा हू हू ही। अरे वो दामने इकबाल हू है बाबा, दामने इकबाल हू, दामने इकबाल हू, फिर हू, फिर हू। रोज रोज सुनते सुनते आदत हो गई है मौली साहब। आदत हो गई है तो आदत को बदलना पड़ेगा। लिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अदना कसाब को देखो, मिनिस्टरों जैसी हरकतें करता। अरे मौली साहब, चल पढ़। दामने इकबाल लहू लहू। हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रह कर आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब। हाँ। नेक मतलूब के आगे चाहता हूँ भी लिख दे, अगर वो नहीं समझेंगे तो ये समझ जाए। नेक मतलूब चाहता हूँ, दीगर तवायफ ये। तवायफ, तवायफ, अरे इस्लामी मुमलिकत में तवायफ का नाम ले रहा है काफिर, वो कवायफ आए। तवायफ कैफियतों की जमा, कैफियतों की जमा। हाँ, जमा उल जमा। हाँ, जमा उल जमा। चल लिख। दीगर कवायफ ये है कि मदरसे का काम उम्दगी से चालू है। हाँ, इसके ऊपर अंडरलाइन कर दे।
ऊपर अंडरलाइन कर दूं और क्या नीचे करेगा पागल। अच्छा भाई अच्छा, मदरसे का काम उम्दगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। हाँ, मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी साहब, ओए जवाब मौलवी साहब। कौन? अरे अपना चराशा पुकार रहा मौलवी साहब। अरे वो तो इलेक्शन की आवाज है दीवाने। पाकिस्तान के चराशा, हिंदुस्तान के बत्ती सिंह, दोनों जिंदाबाद। मुसीबत तो हमारी और तुम्हारी। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे कौन पुकार रहा है ये? अरे आपका शागिर चराशा पुकार रहा है मौलवी साहब। अच्छा, चराक्षा ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली। लो, बुड्ढे को अब तक पता ही नहीं है। अरे मैं तो पहले ही कहता था बाबा कि अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख ले। मगर मौलवी साहब, उसने तो कहा था कि आपके एक मोहर बनवा लेगा। हाँ, हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल जाते हैं, मगर मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी हुई तकरीर को खुद पढ़ना पड़ता है, वरना पब्लिक पहचान के नारे लगाती है। अरे कौन जुमदा चाहिए? अरे चराशा पुकार रहा मौलवी साहब। अबे चकू, अरे क्या पुकारे जा रहा मौलवी साहब? मौलवी साहब अंदर आ जाना। हाँ। क्या बात है चाकू बेटे, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आया है और वो भी बगैर किताबों को, और हाथ में ये कमची क्यों है बेटा? खर्च नहीं होएगा तो और फिर क्या होएगा? फैसले हुए तुमको 20 दिन हो गए और तुम देने के नाम नहीं लेते। हाँ वैसे मौली साहब, ये कमची बहुत बुरी चीज होती है, बड़े बड़े शेरे बब्बर भी डरते हैं इससे। चाकू बेटे, मैंने तुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, 10 तो वापस कर चुका हूँ। हमारे सामने वो ठीक, तुमने 10 वापस किया लेकिन अभी 10 तो बाकी है। अरे चाकू बेटे, जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आधी कर दी है तो मैं तेरे पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ? इसमें तू उस्ताद को कमची दिखाता है, मदरसे को कमची दिखाता है। अरे जरा हिम्मत है तो ऊपर भी दिखा। दिखेगा, ऊपर भी दिखाएगा। अरे तू बगावत पे तुला है बेटे, चल आ जा बैठ जा, आज एक नया सबक पढ़ाऊंगा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आजा आजा। अजी ये घोड़ा किसका है? पूरी की पूरी झुकी खा रहा है। अरे तूने हमारा घोड़ा कहाँ छोड़ा? वो मेरी झुकी खा रहा है। अरे कप्तान भाग देख 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 भाग भाग। क्या बात है बेटे, क्या मैंने कोई कारनामा किया है? मौलवी साहब बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा। अरे सुनो जरा जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया। अरे कर खा को भगाने की तरकीब कुछ आप ही का था मौलवी साहब। अरे अरे बाबा, मैं कर्ज लिया तो क्या हुआ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्जा लेती है। चल आगे बढ़। मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यही तक लिखाए दे। तो आगे लिख। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। अरे काट काट काट। आय आय आय। अरे कमबख्त, दिन भर की मेहनत और इजारबंद का सत्यानाश कर दिया। अरे कमबख्त, जुमला काटने को कहा था, इजारबंद काट दिया। अरे कमबख्त, अरे अरे रख दो बेटे, रख दो रख दो बेटे, ये तेज हथियार है, खून वो निकल आएगा। रख दो मेरे बेटे, रख दो। शाबाश शाबाश, रख दो बेटे, रख दो। देखो खलीफा ने रख दिया है, अब आप भी रख दीजिए। तेज हथियार है ना बेटे, खून निकल आएगा। शाबाश, रख दो बेटे, रख दो, रख दो बेटे।
कोई कैंची दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है। मदरसे तालीम में बालगान क्या हुआ? अच्छी खासी कराची यूनिवर्सिटी हो गई। चला कर मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया, बस यहीं तक लिखाए दे। आगे लिख बोलो। अरे आजी से लिखो बेटे, आजी से लिखो। दरखास्त कबूल होने की है, 6 माह से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। आज से लिखो बेटे, आज से लिख, आज से। शाबाश शाबाश, ना बेटे ना, आज से लिख। आज से लिख, आज से लिख, आज से लिख। जनाबे वाला, जनाबे वाला, अरे रो रहा है क्यों? आज जी से निकलो मौली साहब। अरे लिखो बेटे लिखो, तेरी आज जी के कुर्बान। पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिखो जनाबे वाला, जनाबे वाला, आपके रहमो करम से, आपके रहमो करम से, अजराए मरहमत, अजराए मरम्मत, अरे मरम्मत नहीं मरहमत, मरहमत, हाँ मरहमत, मर मरहमत। एक दरी, एक छड़ी, एक ब्लैक बोर्ड, एक लकड़ी का संदूक। ओहो हो, काबिलियत देख रहे हैं। संदूक स्वास्थ्य से लिख रहे हैं साहबजादे। अरे वो सागवान का है ना। मैं भी हमेशा ये गलती करता आया था। अच्छा, खुदा सलामत रखे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को, एक दिन वो मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। क्या गलती दुरुस्त की? यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। यानी सागवान का संदूक सीन से, हाँ। और शीशम का संदूक शीन से। आ, आ, आ। जो इंस्पेक्टर साहब चाहें वो ही होगा, समझा? बैठ जा। हाँ, एक सागवान का सीन से, सीन से संदूक, एक सागवान का सीन से संदूक, वो नीज 19, अरे 19-20 नहीं बाबा, वो नीज, देख हजाम को अकल है, तुझे अकल नहीं है। वो नीज 3 घड़े, वो नीज 3 घड़े, मुसम्मी इत्तेहाद, तंजीम, और यकीन मौकम अता किए गए थे। सो मदरसे के नाहिंजार तालिबे इल्मों ने आपस में झगड़कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मौली साहब, इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए भाई? खुद ही तोड़ के पूछ भी रहा है। मैं तोड़ा? अरे तू गिद्दू बंदर का तो नहीं है? अरे मैं तो बांस बरेली का हाँ। अरे मैं तो बांस बरेली का हाँ। खाते पाकिस्तान का और गाते हैं बांस बरेली का। आज इसको देखो, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं, ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौली साहब? अरे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे होने चाहिए थे कमबख्तो। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तंजीम का गला गायब और पेंदे में सुराख हो गया है। मौली साहब, हाँ चलो इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े तो हो गए थे, ये तंजीम का गला किसने गायब किया मौली साहब?
हाँ 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 मदरसे में बैठ कर बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, पूजा बीड़ी, पूजा बीड़ी। हाय हाय, आज शागिर्द मदरसे में बैठ के बीड़ी पीते हैं, चपरासी अफसरों से माचिस मांगते हैं, लीडर कौम को धोखा देते हैं और लायक शागिर्द पूछते हैं कि तंजीम का गला किसने गायब किया। अरे गले तो तुम्हारे गायब होने चाहिए थे कम भक्तो। अरे रे रे रे, एक के मुंह से निकली दूसरे के मुंह से, बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी, बुझा बुझा। रखो कितनी बीड़ी, रखो रख। दो है मौली साहब, दो। एक बंडल में दो बीड़िया, बीड़ी बनाते बनाते हमारी ये उम्र हो गई, हम ही को गोल फिरा रहा है। रख कितनी बीड़ी है, एक और है, एक को आधी रखो। पहले ही कहा था आधी आधी कर लो। तंजीम का गला गायब और जेब में सुराख हो गया है। नहीं तो नहीं, अरे कंबक पहने में सुराख हो गया, पहने में सुराख हो गया है। ले दे के यकीन मुहकम रह गया है, रह गया है, इस पर काम चालू है, चालू है। अगर इत्तेहाद और तंजीम से, तंजीम से अब भी सबक ना लिया गया, ना लिया गया, तो ये कौम, ये कौम यकीन मोहकम का भी वही हशर कर देगी, यकीन मोहकम का भी वही हशर कर देगी। ज्यादा क्या अर्ज करूं, ज्यादा क्या अर्ज करूं, जरा सामने आ है, जरा सामने आ, जरा पीठ खुजा, जरा पीठ खुजा, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा। हाय हाय, ऐसे न मचल तेरा दम ही निकल जाए ना। हाय हाय, अरे कंबख्त मेरा दम निकाल रहा है, मार मार के तेरा दम निकाल दूंगा। ओ, ओ, ज्यादा क्या अर्ज करूं, मदरसे की छत से, छत से गर्द और ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुतु है जवा तुम हो कहाँ। अरे ये मलाबारी मदरसे के बराबर होटल क्या खोला है, दिन भर रिकॉर्ड बजाता रहे। मौली साहब, ये मलाबारी का रिकॉर्ड नहीं है, ये आपका शमशु गा रहा है। शमशु क्या? शमशु गा रहा है, शमशु। हथियार ले लो, बुड्ढे का मर जाएगा बुड्ढा, मेरा हथियार दे दो। ला ला ये लीजिए। अरे ये नहीं, मेरा हथियार, मेरा हथियार, अरे नहीं, मेरा हथियार दे दो। दे दे यार, दे दे बुड्ढे को। झोपड़ी की छत से ठंडी हवाएं आ रही हैं। छन छन के आ रही है, आए छन छन के आ रही है। अरे किसी का मुजरा नहीं आ रहा है। ठंडी हवाएं छन छन के आ रही हैं। मैं इस गर्द ठंडी हवाओं के दरमियान दरमियान ज्यादा हायल होना नहीं चाहता, हायल होना नहीं चाहता। बकिया तफसीली रिपोर्ट, बकिया तफसीली रिपोर्ट तहरीर करके, तहरीर करके बिलमुशाफा, बिलमुशाफा जबानी अर्ज करूंगा, जबानी अर्ज करूंगा। जरा नाखून निकाल, जरा नाखून निकाल। आपका खादिम, आपका खादिम सदर मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस मदरसे तालीम बालगान, मदरसे तालीम बालगान बकरा पीढ़ी, बकरा पीढ़ी मेवा शाह लैन, मेवा शाह लैन कराची, कराची हुकूमत इस्लामी, हुकूमत इस्लामी पाकिस्तान नाखून काटने को कहा था, अंगूठा काट दिया। देखो मौली साहब कैसे हवा चल रहा है, जैसे कबाब भून रहा हो। अरे कबाबी की औलाद, उस्ताद को काट के कबाब भून रहे हो। ओफो, हाय हाय हाय,
दस्तखत कर दीजिए। अरे कैसे करूं, अंगूठा कट गया है ना। जी अंगूठा नहीं, दस्तखत कीजिए मौलवी साहब। कर दे कर दे। मैं अपनी दस्तखत करूं? अरे मैं क्या मर गया हूं? अच्छा आपके दस्तखत करूं? हाँ कर दे। अच्छा अच्छा आए आए आए। मोहब्बत आले ये कर दिया हूँ दस्तखत। मेरे ही किया है ना। जी आपके ही किया हूँ मौलवी साहब। जाली तो नहीं है? जाली? जाली में तो सुराख होते हैं मौलवी साहब। अरे कम किसी का दुपट्टा देख लिया शायद। अरे मौलवी साहब जाली नहीं है, आपकी दस्तखत किया हूँ। नीचे लिख दे बकलम खोद। बकलम खोद? ओहो। अरे क्या बात है, आज बच्चे नहीं आए अभी तक। मौलवी साहब वो पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं सब। पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं? ओहो जब ही मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं आते। अरे जरा घंटी बजा। चा भाई। चा मौली साहब। अरे 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 मौका में रह गया है, उसके पीछे क्यों पड़ गया? चल छोड़, आना है तो आएंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बैठे बैठे। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। अरे कौन? अरे दूध वाला मौलवी साहब, दूध वाला। अच्छा अच्छा दूध वाले, आओ बेटे आओ आओ। क्या बात है बेटे, कल का दूध तो बहुत अच्छा था। कहा बताए मौलवी साहब, कल तो नलके ही बंद थे। नलके बंद थे तो दूध चल आया था। अरे कम वक्त दूध में पानी मिला के चल बैठ। बैठ जा बैठ जा। अन्नप्पा सार सोपड़े कमाल इर्किदी कदन लिंडो। मलबारी मौलवी साहब, मलबारी। अरे मलबारी अन्ना सामी। बेटे कुछ चाय वाय है? इल्ले। सारे बाजार में लिल्ले लिल्ले, यहाँ या तो इल्ले। चलो बैठो मरो। बैठो बैठो इल्ले। सलाम मौलवी साहब, सलाम। अरे कौन? चांदना। अरे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। क्यों क्यों मौलवी साहब क्यों? अरे अरे मदरसे के ओल्ड बॉय हैं, मेरे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, जो पढ़ते हैं धो डालते हैं। चांदना आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे वो उठाओ गठरी के मुझे दे दो। अरे गिर ना पड़े कहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। ओहो बड़ा शौक है पढ़ने का माशाल्लाह। मेरे सर पे मेरी आंखों पे बैठिए, मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया। बैठिए बैठिए खान साहब बैठिए। ठीक बैठे बैठे खान साहब बैठे। कुछ नहीं खास साहब, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने अपना विक्टोरिया तो दूर छोड़ा है ना? विक्टोरिया को तो मैं बहुत दूर तक छोड़ के आ गया खास साहब। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका घोड़ा हम गरीबों की झुग्गियां खा रहा है, बहुत शुक्रिया। मॉनिटर जी मास्टर। दे रजिस्टर। रजिस्टर? लेकिन क्यों मौलवी साहब, सब लोग तो हाजिर है। हाँ अलबत्ता वो अल्लाह बंदा नहीं आया अभी। अरे हाँ भाई वो अल्लाह बंदा के वालिद खुदा बंदा मुझे कल मच्छी म्यानी में मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटे की 3 महीने की एडवांस फीस जमा करा दी। चलो तो बेब हमारा भी फर्ज है कि हम उसकी 3 महीने की एडवांस हावी लगा दें। क्योंकि बेटा आजकल हर मदरसे और हर कॉलेज में यही हो रहा है भाई। अब हर मदरसे हर कॉलेज में यही हो रहा है तो फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल लगा दूंगा सबकी हाजिरी मौलवी साहब। ठीक है प्यारे बच्चों जी। शाबाश 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 प्यारे बच्चों जी। चलो बच्चों तराना पड़ो। चलो तराना 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 तो भाई लालो लालो चांद चांद भी को उठाओ। लालो भाई लालो। आ जा आ जा आ रहा आ रहा। चलो भाई सर आ जाओ। चलो भाई
मौली साहब, मौली साहब, मौली साहब, खान साहब। चीनो अरब हमारा, हिंदोस्ता हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदोस्ता हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा पल कर जमा हुए हैं। पापों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। अमानत पेटों में है हमारे। अमरीका की अमानत पेटों में है हमारे। हम राजदा है इसके, वो राजदा हमारा। हम राजदा है इसके, वो राजदा हमारा। खुल्द अपना सहरा बकरा पीढ़ी। है राज के खुल्द अपना सहरा बकरा पीढ़ी। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आमीन आमीन। फालीन फालीन। अरे कमबख्तो, अरे कमबख्तो, अरे कमबख्तो, फालीन के मानी हिंदुस्तान की डिक्शनरी में पीछे हटने के। चलो हटो, हटो, चलो चलो। प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों, तुम्हारा कोर्स बदल गया है। मौलवी साहब, ये हर साल कोर्स क्यों बदल जाता है? अरे तुझे इतना नहीं मालूम? नहीं बाबा, एक कोर्स रहने से कौम में इत्तेहाद पैदा होता है और एक ही व्यापारी का फायदा होता है। हर साल कोर्स बदलने से सबका फायदा। देखो, महकमा तालीम से एक बुरासला आया है, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। टू दी सदर मुदर्रिस, टू दी सदर मुदर्रिस। उर्दू में पढ़ा मौली साहब? उर्दू में। उर्दू उर्दू? अरे तुम्हें इतनी उर्दू नहीं आती? कितनी उर्दू? अरे टू दी दिस दैट मम्मी डैडी हनी हाय। बस रोड, मैकलो रोड, नेपियर रोड, ये उर्दू नहीं है तो क्या है? इतनी उर्दू तो सभी समझते हैं मौली साहब। लिखते हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, यादगार गालिब, मुश्किल और महंगी किताबें होने की वजह से कोर्स से खारिज की जाती है। इनकी बजाय जदीद शायरों का सस्ता कलाम यानी 40 फिल्मों के गाने दाखिले कोर्स किए जाते हैं। आए, आए। आगे बढ़े, आगे आगे क्या लिखा है? ताकि गरीब और नादार तलबा में तालीम का शौक हो और तालीम आम। सही बात, क्या बात। ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही है, भेजी जा रही है, भेजी जा रही है, रवाना की जा रही है। अरे मौलवी साहब, एक ही बात है। एक बात नहीं है, सरकारी खत है।
ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल कर रवाना की जा रही हैं। इन 20 किताबों को गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके मुफ्त हो गई तालीम। ये मदरसा तुम्हारे बाप का है मौली साहब, बाप तक नहीं पहुंचा, समझ गए? अरे मौली साहब, बाप तक किसके पहुंचे? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके बाप का नाम तो नहीं लिया। अभी तुमने बोला सबसे अरे वो तो मैंने आपके बाप को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। ये कैसी मिसाल है बताओ? अच्छा अच्छा सुनिए, खुश हो जाइए, पढ़ने लिखने से और इस मदरसे से आपके बाप का ताल्लुक। ये बात तो है। चल बैठ, आ जाओ भाई। ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही हैं। रवाना की जा रही है। एक ही बात है बेटे। एक ही बात नहीं है मौले साहब, सरकारी खत है, रवाना करो। ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके गरीब और नादार तलबा में तकसीम करके दो दो आने कीमत वसूल कर ली जाए। चाल है बुड्ढे की, चाल है। चार आने नहीं बेटा, दो आने। दो मानिकर। जी मास्टर। फाड़ दे किताबें। अरे भाई चार चरण लगा दिया, चार चरण लगा दिया, चार चराने में चार चराने। ये चार चराने कह रहा है? अरे तालीम का भी ब्लैक करने लगा कम्बा। तालीम का ब्लैक करने लगा, चार चराने कह रहा मौली साहब। ओह मौली साहब, चला बच्चों किताबें खोलो। हाँ भाई बेटा, दूध वाले। जी मौलवी साहब। गजल पढ़ो बेटे। मौलवी साहब इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। मौलवी साहब इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। अरे गाना है तो गाना पढ़, कोर्स में मेरे क्या इख्तियार। चल चलो, शाबाश। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। खामोश। अरे क्या पढ़ रहे हो कमबख्तो? मुझे ये लड़कियों के कोर्स की गजल मालूम होती है। भाई चाहे वो घूंघट निकालें, चाहे ना निकालें, चाहे पर्दा करें या ना करें, तुम कौन होते हो उनके निजी मामलात में बोलने वाले? हम कोई नहीं होते मौलवी साहब। चलो मैं अपने जाती इख्तियार की बिना पर ये गजल कोर्स से खारिज करता हूँ। खारिज? आपके जाती इख्तियार देना। बिल्कुल जाती। जान छुट्टी। नहीं लगी। शमसु जी मौली साहब, गजल पढ़ो बेटे। है हाँ, पढ़ने के नाम के साथ ही जान निकल गई। गजल पढ़। जी जी पढ़ो मौली साहब। मेरी लाडली लाडली री मेरी, अरे लाडली मेरी री री लाडली लाडली मेरी लाडली बनी है ता 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 तारू की तू रानी। अब बड़ी ना रानी, अब बनना। अरे हजार दफे कह चुका हूँ कि जदीद शायरों का कलाम है, तहतुल लफ्ज पढ़ने से नसर हो जाता है। अरे गा के पढ़ो कम भक्तो, गा के पढ़ो। अच्छा, मेरी लाडली रे, मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू
दादी दा दिल दारा दिल दारा दा दिल दारा दिल दारा दा दिल दारा दिल दारा दा दिल लर नाचे बटलर नाचे नाचे मोटी आया दा दिल दारा दिल दारा दा दिल दारा दिल दारा दा दिल दारा काले साहब का टोपा नाचे दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा काले साहब का टोपा नाचे गोरी मेम का साया ओ मेरी लाडली रे मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी तारों की तू रानी प्यारे बच्चों जी इन अशार में तलमी तलमी माली साहब ये तलमी का मतलब क्या है जरा बताओ तो बेटे इन अशार में असल में एक बताए 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 बताओ मतलब तलमी का अरे ये इतना बड़ा हो गया इसको आज तक तलमी के मानी नहीं मालूम प्यारे बच्चों जी तुम में से किसी को तलमी के मानी मालूम है नहीं मालूम साहब नहीं मालूम नहीं नहीं मालूम नहीं फिर तो बहुत आसान है तलमी के असल में दो मानी एक तो है मानवी मानी और एक है लघवी मानी इन दोनों को मिला के जो तीसरे माने निकले हैं उसका मतलब है तल मी यानी तल मी है? क्या खा रहा है बेटे कुछ नहीं बोल साहब मैंने एक नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया मार्गरेट छोटी बहन हाँ साहब छोटी बहन यानी ये नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मनका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया था इसलिए कि हमारे झंडे पे चांद है ना हाँ, 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 मैंने देखा हाँ, मैंने देखा मैंने भी बोले साहब इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट और तारों की रानी है उसकी बड़ी बहन मलका क्वीन एलिजाबेथ और हम सब दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा यानी कॉमन वेल्थ की तरफ इशारा है कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब दरे दर के होकर रह गए वाह मौले साहब वाह 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 क्या बात क्या बात साहब मलाबारी अन्नसामी गजल पढ़ो बेटे पढ़ो बेटे मर गया गजल पढ़ो अरे पढ़ चाय नहीं बनानी गजल पढ़नी है ले बेली ले बेली प्यारे दिन है प्यारे प्यारे माशूमा तेरी तू मेरा मैं तेरी ऐसे में तू आ जा रे क्या पढ़ रहे हो तुम लोग हमारा क्या कसूर है जो किताब में लिखा क्या लिखा है किताब में इल्ले बेली इल्ले 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 बेली ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है कुछ रास्ता दिखाई देता है कुछ दिखाई नहीं देता अरे ये गजल हो रही है कोरो पांडवों की जंग मैं आज ही महकमे तालीम को लिख देता हूँ कि भाई आखिर से एक मुल्क में चार चार जबानों की चिली कब तक पकती रहेगी भाई किसी एक जबान को अपना लो चलो ये गजल कोर्स से खारिज चलो भैया चलो निकालो ये बिल्ले बिल्ले से भी जान जाता है बिल्ले बिल्ले से गए बिल्ले चलो चांद खां चांद खां चांद खां पढ़ेंगे क्या अरे मौलवी साहब काहे नहीं पढ़ेंगे पढ़ने के लिए तो आए हैं ना अच्छा अच्छा पढ़िए पढ़िए
पढ़िए और धो डालिए। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो मतलब के बगैर दुनिया में कोई काम ही नहीं होता। अरे मौली साहब गजल का मतलब समझाओ। गजल का मतलब प्यारे बच्चों जी जरा सोने दो यार। लो, लो, लो। जी मतलब समझाओ मौली साहब मतलब। प्यारे बच्चों जी ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। अजी कौन मरहूम? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम। किसने लिखे? खुद मरहूम ने लिखे। खुद मरहूम ने अपनी शान में अशार लिखे हैं। अच्छा क्यों लिखे? उनकी मर्जी। जब सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम नवर अल्लाह मरकदऊ खुदा उनकी मरकत पे नूर बरसाए सिंध के देहातों को लूट कर जंगलों में छुप जाया करते थे, तो सिंध की पुलिस उनकी तलाश में जंगल जंगल फिरकर ये गाया करती थी। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां, ये पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कुछ पढ़ने की तरफ माइल है। क्यों नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा, पढ़िए खान साहब, पढ़िए, अल्लाह आपको इल्म दे, पढ़िए। ओले कुर्बान। अरे जरा पूछ खान साहब ये क्या कर रहे? अरे खान साहब क्या कर रहे? ये गला साफ करते। बहुत अच्छा करती है, बल्कि खान साहब आज सिर्फ गला साफ कीजिए, पढ़ाई कल कीजिएगा। चलिए चलो। मॉनिटर जी मास्टर गजल पढ़ो बेटे। मॉनिटर बनेंगे। पढ़े पढ़िए जनाब। धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक, होए धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक, होए सुन ले ओ गोरी हो तूने चोरी चोरी
दिल की कहानी आंखों की जबानी कह दी बल्लम से अपने सनम से अपने सनम से। ओए बस 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 ओरी 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 मुल्ज़ाम बोली साहब मुल्ज़ाम खुदा की कसम आंखों में आशिकी का नक्शा है। हाय 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 इन अशार में आशिकी अपनी इंतहा को पहुंची भी। वाह 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 शायर कहता है धक धक धक। अच्छा बताओ ये धक धक काहे की आवाज। मैं बताऊं वाली साहब मैं बताऊं। बताओ बेटे ये ना किसी के उस तरह तेज करने की आवाज। हजाम की हजाम के जहन में तो उस तरह की आवाज ही आएगी। मौली साहब मैं बताऊं। हाँ बताओ बेटे ये किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज है। तू मॉनिटर है ना। जी मास्टर। तेरा बाप भी मेरे पास मॉनिटर। जबी तो यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा बताओ कौन खटखटा रहा है। रूस होगा रूस। अरे मैं कह रहा हूँ ये आशिकी के अशार है तू इसमें सियासत का उस तरह चला रहा है। अरे रूस ना फूस वक्त में कौन किसके काम आता है। अरे बाबा दरवाजा खटखटाने वाली जिसका नाम है उसकी कमबख्ती। यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है और वो उसे अपनी महबूबा समझ के कह रहा है सुन ले ओ गोरी ओ तूने चोरी चोरी दिली की कहानी आंखों की जबानी कह दी बलम से अपने सनम से अपने सनम से। पकड़ लो सनम को मजबूती से पकड़ लो। हम कहते हैं कि चोड़ सनम को। मौली साहब सनम को छोड़ दे मौली साहब छोड़ दे छोड़ दे सनम को छोड़ दे छोड़ता हूँ खासा छोड़ता हूँ छोड़ दे मौली साहब छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे हो गया हो गया। अरे खास साहब सनम क्या मैं शायरी को छोड़ देता हूँ। चलो शायरी का घंटा खत्म हिसाब का शुरू। चल शमसू जगह जी बोली साहब। हाँ तो शायरी का घंटा खत्म हिसाब का शुरू। एक दो तीन आया मौसम है रंगीन। अरे एक दो तीन आया मौसम है रंगीन। अरे नहीं बाबा एक दो तीन आया मौसम है रंगीन। मैं कह रहा हूँ शायरी का घंटा खत्म हो गया हिसाब का घंटा शुरू हो गया। आए मौली साहब शायरी घंटा खत्म क्यों कर दिया चलते रहने देते हैं। इतना मजा आ रहा था बहुत मजा आ रहा था। इस मुसलमान कौम को गाना होना नाचना होना बजाना होना हिसाब का नाम आते ही। मौली साहब क्या है आज दो दिन से देख रहा हूँ जहाँ हिसाब का नाम आता है ये कहता है मौलवी साहब मैं कहता हूँ तो कहता है चल बैठ। मेरा क्या है डंडे लगाऊंगा अगर दरी खराब हुई। हाँ चलो पाकिस्तानी इल्म हिसाब से एक सवाल हल करो। जी। ये सवाल बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। चलो अगर 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 कोई नहीं बोलेगा सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर अगर मैं कह रहा हूं कोई नहीं बोलेगा सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है तो अरे कौन बसाता है किसको बसाता है 12 साल में ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है। अरे मैं हिसाब का सवाल हल करने को कह रहा हूँ तू पॉलिसी पे बहस कर रहा है। ओ पॉलिसी मौली साहब ओ तो बात तो बात तो बात। अच्छा बताओ अगर 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 साल में कितनी। ये सवाल बहुत अहम है बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। मौली साहब अगर 12 साल में एक डिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 सालों में दो शाबाश। अरे बेटे इसी सिलसिले का एक और सवाल है उसका जवाब भी आप ही दे दीजिए। जी अगर एक डिग रोड कॉलोनी में 12,000 मकान बनाए जाते हैं तो दो में कितने। एक डिग रोड कॉलोनी में 12,000 तो दो में कितने छे छे। अरे कमजोर जुजार भी अकल निकालना है कुछ तो अकल से काम ले। अरे कभी कहते हैं अकल से काम लो और कभी कहते हैं जुजार भी अकल निकालना है। अरे बाबा एक में 12,000 तो दो में कितने। मैं दो से जरब देने को कह रहा हूँ तू तकसीम कर रहा है। लो
मकान तकसीम किए जाते हैं या जरब दिए जाते हैं? बुड्ढे को मकान तो तकसीम ही होते हैं। क्या हुआ वाली साहब? हेलो का क्या हुआ मौली साहब? दिमाग सेंटर में नहीं है क्या? क्या कहा? सेंटर में हमला है? सेंटर में हमला। सेंटर जरा खामोश हो गया तो सूबे इतने मुंहजोर हो गए, मार मार के वन यूनिट बना दूंगा। अरे इतने दिनों से कह रहा हूं, एक मदरसे के बच्चे हो, मिलजुल कर रहो, दुनिया में नाम पैदा करो। आज इस झोंपड़ी में पड़े हो, कल अपनी मेहनतों से इसे पक्की इमारत में तब्दील करो। लेकिन हर शख्स अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। खुदा की कसम जान दे दूंगा मगर मदरसे पे आज नहीं आने दूंगा। बस चलो खुशामद, बैठो, जाओ अपनी जगह बैठो, चलो यार। अच्छा मौली साहब, अच्छा आप चलो भी, चलो चलो बैठो जी। मौली साहब चलो, हिसाब का घंटा खत्म, तारीख शुरू। ठीक सर। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में शादी की थी। हाँ, शादी की थी। अरे उसने 17 साल की उम्र में सिंध के मुल्क को फतह किया था। आज अपनी हालतों को देखो, 40-40 साल के संडे बुस्टंडे हो गए, मगर कोई पहली जमात से आगे नहीं बढ़ा, कोई दूध में पानी मिला रहा, कोई विक्टोरिया चला रहा, कोई बकरे छील रहा है। आज कश्मीर को हाथ से निकले हुए इतने बरस हो गए, किसी के कान पर जूनी रहेंगी, आखिर ये ताकत की जमानी किस दिन काम आएगी? अरे इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ मगर कोई पहली जमात से आगे नहीं बढ़ा। तो क्या मौली साहब, क्या मोहम्मद बिन कासिम ग्रेजुएट था? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अगर वो ग्रेजुएट होता तो आज जूना मार्केट में पुराने कोट बेचता। अच्छा मौली साहब छोड़िए, खैर इसको, जमहूरियत का सबक पढ़ाइए। बाप दादा का नाम नहीं जानते, मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये नहीं जानते। खुदा के कसम मोहम्मद बिन कासिम को सामने लाके खड़ा कर दूंगा तो नहीं पहचानेंगे कि ये मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा बता, जमहूरियत किसे कहते हैं? अरे अजी वही जहाँ सारे स्काउट के लड़के जमा होते हैं। स्काउट के लड़के? स्काउट के लड़के? अरे कमबख्त वो जमहूरी है। अरे तुम लोग जमहूरियत का मतलब नहीं जानते? नहीं नहीं मौली साहब, नहीं मौलवी साहब। अरे इतने मिलके बैठे हो जब भी नहीं जानते? नहीं मौली साहब। अच्छा, अरे बाबा जमहूरियत का मतलब है जिसकी तादाद ज्यादा उसकी हुकूमत, जो ज्यादा वोट खरीद सके वो वजीर। नहीं समझे? नहीं मौली साहब नहीं। अच्छा सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जी मौली साहब। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। हुमायूं का बेटा अकबर कहने वाले हाथ उठाएं। एक दो, छोड़ दो हाथ। अब हुमायूं का बेटा बाबर कहने वाले हाथ उठाएं। एक दो तीन चार। लिहाजा जमहूरी तरीके से साबित हुआ कि हुमायूं का बेटा बाबर था। यही जमहूरियत है और यही जमहूरियत की तारीफ खत। वाह मौली साहब, क्या बात। एक मिनट, उसका तो कोई औलाद नहीं था। खान साहब, उसका तो कोई औलाद नहीं था। खान साहब आप जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, मगर ये मामला जमहूरियत का है। खुदारा जमहूरियत पर रहम कीजिए। मौली साहब, एक आम मालूमात का सवाल है, जरा जवाब दीजिए। आम मालूमात कोर्स में नहीं है। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करो। मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। बेटे दूध वाले जी खड़े हो जाओ। बेटे चूंकि आपका ताल्लुक पानी से बड़ा गहरा है इसलिए आप जवाब दीजिए। मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। हाँ, ऊंची ऊंची कुर्सियों को देख के अवाम के मुंह में पानी भर आता है। ऊंची ऊंची कुर्सियों को देख के अब आपके मुंह में पानी भराता है, जैसे ऊंची कुर्सियों के नीचे से गंगा बहती है। अरे कम वक्त में कह रहा हूँ, आसान जुमलों में इस्तेमाल करो। वो कह रहा हूँ ऊंची ऊंची कुर्सियों, देखो मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या मुहावरा है?
जी मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना, देखो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आसान और सहज, बिल्कुल आसान। जी जी। मुंह में पानी भराना, यही है ना? जी 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 जी। मुंह में पानी, यही है ना? जी भाई साहब यही है। पानी के नल के सीधे सीधे पानी के नलके को मुंह लगाकर चूसने से मुंह में पानी भरा। मौली साहब इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आम मालूमात का सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। आम मालूमात कोर्स में नहीं है, आप जरा मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करो। मुहावरा है चार चांद लगाना। मैं लगाऊ? हाँ। चार चांद लगाना है। हाँ हाँ। पाकिस्तान ने सनती तरक्की में चार चांद लगा दिए हैं। अरे कमबख्त, अपने आका अमेरिका वाले दो चांद नहीं लगा सके, पाकिस्तान ने सनती तरक्की में चार चांद लगा दिए। वैसे चार बार तो नहीं, रूस ने दो चांद लगाए। आपने देखे? हाँ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौल वाला, अरे क्यों काफरों के पर पकड़ने में आए हो? रूस एक चांद क्या, आधा चांद क्या, चांद का इतना सा टुकड़ा भी लगा था तो हमारी रूहत हिलाल के मैं ऐलान नहीं करती। अरे एक आम मालूमात का सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे दें आप। आम मालूमात के बच्चे, तू मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है? हाँ कमजोर समझता है। उस दिन इंस्पेक्टर साहब आए थे तो मुझसे कह रहा था कि मैं बकरों का ऑपरेशन करता हूँ तो क्या मुझे मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा? नहीं, मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है। पूछ, क्या सवाल है तेरा? नहीं पूछ, पूछ, पूछ। अरे तेरे बाप से पूछना पड़ेगा, क्या सवाल है? पूछ। पूछो। हाँ पूछ। उर्दू? हाँ उर्दू। पाकिस्तान की हाँ सरकारी जबान क्यों नहीं होती? क्या 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 सवाल है तेरा? क्या सवाल है? उर्दू? हाँ। पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती? अरे अब तक यही सवाल चला रहा है। बता दे ना। डाल दिया जवाब। अच्छा इस सवाल के लिए तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। आसान सा पूछना भाई साहब। हाँ पूछ। ये बता, तू अपने घर में माँ से डरता है या बाप से? मैं पूछ के आता। नहीं बता, नहीं बता। बाप से। तो फिर मादी जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? जिसका जोर चलता है उसकी जबान होती है। ये मौली साहब कुछ भी सवाल पूछ जाता है। प्यारे बच्चों जी, फीस लाए? नहीं नहीं। कोई आम मालूमात के सवाल पूछ रहा है, कोई ज्योग्राफिया पढ़ रहा है, कोई तारीख पढ़ रहा है? चलो मदरसा बर्खास्त, कल फीस लाओगे तो क्लास होगी। चलो छुट्टी 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 छुट्टी।